यस मैंने इस्लाम कबूल किया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वालेकुम अस्सलाम रहीम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर तो मतलब 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। वेरी वेरी श्योर आई एक्सेप्टेड इस्लाम। डोंट बी शॉक, शॉक बिल्कुल भी मत होइए। मैंने नहीं इस्लाम कबूल किया है, लेकिन एक वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर जिनका नाम परम है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। जी हाँ। हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स के ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी रहे और इन्जॉय करें। आजकल जो आप लोग देख रहे हैं कि अगर किसी को किसी रिलीजन के बारे में नॉलेज हो जा रही है और वो उसको अच्छा मान रहा है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक यूट्यूबर जिनका नाम परम है, उनके साथ हुआ है। उन्होंने भी इस्लाम को बहुत डीपली से देखा होगा, उसको समझा होगा और उनको समझ में आया, तो फिर शायद उन्होंने इसीलिए इस्लाम कबूल कर दिया है। उनकी ज़ुबानी क्या है इस वीडियो में वही देख के उन्होंने क्या सोच करके इस्लाम कबूल किया, पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम रहीम। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर तो मतलब 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। वेरी वेरी श्योर भाई आज आपके लिए फर्श और इस चीज का खुलासा जरूर कर देगा। मैंने पहले भी सोचा था इस चीज का खुलासा करने का, ओके मतलब ये पहले कन्वर्ट हो गए थे। आज ये वीडियो में आपको फुल ऑन क्लियर हो जाएगा हर चीज के बारे में कि मेरा मजहब क्या है। भाई सारे लोग यही पूछते हैं, भाई आपका मजहब क्या है, आप इस्लामिक वीडियो बनाते हो, आपका नाम परमजोत सिंह है। एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इस्लामिक वीडियो आप इसलिए बनाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज। एंड मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, हमने इस्लामिक वीडियोस बनाना स्टार्ट ही व्यूज के लिए किया था, स्टार्ट ही पैसों के लिए किया था। और यूट्यूब पे जितने भी आप इस्लामिक रिएक्शन वाले चैनल्स देखोगे, जो भी देखोगे ना, सारे के सारे पैसों के लिए, व्यूज के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। बिकॉज इस्लामिक पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक इज द लॉयल पब्लिक इन द वर्ल्ड। बिकॉज मुस्लिम पब्लिक आएगी दौड़ के, भाग के आएगी यूट्यूब पे और वीडियोस देखेगी आपकी। और ये बिल्कुल सही बात है, और चाहे इंस्टाग्राम पे लगा लो, चाहे कहीं भी लगा लो, बट आपको ना इस चीज पे खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो मुझसे पूछो। आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज क्योंकि चाहे जो नॉन मुस्लिम है, जो यूट्यूबर नॉन मुस्लिम है, वो उसकी जो ऑडियंस है ना, वो भी नॉन मुस्लिम होगी, करेक्ट? यस ऑब्वियसली। उसकी ऑडियंस नॉन मुस्लिम होगी तो पैगाम किसका पहुंच रहा है उनके तरफ? अल्लाह का पैगाम। यही तो काम है हमारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था, उन्होंने यही बोला था ना खुतबे में कि आप हमारा दीन, हमारा जो पैगाम है, अल्लाह का जो पैगाम है, ये आगे फैलाओ, ये आगे बताओ, लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस दो। और यही तो वो कर रहे हैं, तो करने दो, क्या टेंशन है। और इससे भला कितने लोगों का हो रहा है। 2 साल से लगातार इस्लाम के बारे में रिसर्च करें, ये हमारा 3rd ईयर है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करता था जब लोग कमेंट्स में करते थे ना, आप इस्लाम कबूल करो, आप इस्लाम कबूल करो। मैं बोलता था यार ये लोग मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एंड लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी करूं। हदीस कुदसी, ऑब्वियसली पता होगा, 2 तरह की हदीसें होती हैं। हदीस कुदसी मतलब जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली उनके बंदों के लिए होती है, हमारे लिए इंसानों के लिए। उनकी एक हदीस कुदसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो। भाई ये जो लाइन है ना, ये लाइन ना मतलब दिल में ऐसे उबा देती है, मतलब क्या बात है। अल्लाह हमसे प्यार करते हैं तो हम अल्लाह से क्यों नहीं प्यार करते। एंड दूसरी बात ये, अल्लाह ताला उनसे भी प्यार करता है जो अल्लाह को जानते भी नहीं है, जो अल्लाह के बारे में मानते भी नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो बुतों की इबादत करते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी कह रहे हैं, ऐ बनी आदम मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई आपने इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, राइट? ये जो वर्ड है, इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, इस वर्ड से मैं बहुत भागता था, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती है मैं क्यों भागता हूँ इस चीज़ से, बट मैं बहुत भागता था। मैं किसी को मतलब मैं फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी,
सच कह रहा हूँ, ना ही पेरेंट्स को ना ही किसी और को, बट हमारे दिल में ईमान है। आप सबको दिखता होगा वीडियोस में अगर जब हम बोलते हैं या जो भी करते हैं, yes. बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, दिल ने तो मान लिया था बट वो जुबान ने कब माना वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, अभी बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, एंड अगर आप खुश हो रहे हो तो मुझे मुबारकबाद जरूर देना। मुबारक हो आपको। एक और चीज बताता हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कब किया, और आप थोड़ा सा गेस करो इस चीज को, मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो, क्योंकि जब इंसान के दिल में ईमान होता है ना, वो इंसान के ना चेहरे पे दिखना एब्सोल्युटली। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मुझे काफी टाइम से देख रहे हो यूट्यूब पे, आप नॉलेज ले रहे हो, तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि हाँ यार ये बंदे पे ना थोड़ा शक हो रहा है, इसके दिल में क्या ईमान है, ऐसा शक वाली चीज आपको कब हुई थी ना, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि ये कब हुई थी। और क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मेरी पूरी स्टोरी कि हाउ आई एक्सेप्टेड इस्लाम, और कब किया था एक्सेप्ट, और कैसे किया था, एंड ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कल आएगी फॉर श्योर। बट ये चीज आप जरूर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि कब आपको मेरे दिल में ईमान दिखा था, आपको मेरी बातों से ईमान दिखा था, ये मैं जरूर वेट करूंगा, आपके कमेंट्स जरूर पढ़ने वाला हूँ मैं, ठीक है जी। यू नो व्हाई आई लव इस्लाम सो मच, बिकॉज आई एम इन लव विद अल्लाह, आई एम इन लव विद रसूल अल्लाह। आप सोचो आजकल की दुनिया में जब लोगों को कोई सलाम ठोके, उनको जीजी करके बुलाए कि इज्जत करे, तो वो लोग ऐसे तनके चलने लग जाते हैं, ऐसे भाई मैं कौन हूँ पता नहीं, मैं महाराजा, ये तो सही है, यहाँ का ये पूरा देश मेरा है, ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं ही इसका दाता हूँ, ऐसे करते हैं लोग। बट हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको फरिश्ते तक ऐसे मतलब उनको सलाम ठोकते थे, मतलब आप सोचो फरिश्ते रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम ठोकते थे, रसूल अल्लाह फिर भी अपने कंधे झुका के चलते थे, डाउन टू अर्थ थे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। मतलब आप उनकी जिंदगी देखो यार, उनकी जिंदगी से कितना कुछ सीखने मिलता है, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ इबादत गुजार, एज अ बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एज अ बेस्ट अखलाक, भाई क्या नहीं था उनमें, अखलाक क्या नहीं था, आप एक चीज का नाम लो वो उनमें था, ही इज द रोल मॉडल। एंड आजकल अगर हर एक इंसान उनकी बताई हुई चीजों के ऊपर अमल करके चले, अपनी जिंदगी गुजारे, इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ, लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका आपको इस्लाम से पता चलता है और कहीं से पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं यार कि इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, पांच टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है, यार मैंने पांच टाइम नमाज पढ़ता हूँ डेली, अल्हम्दुलिल्लाह पांच टाइम नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचा हूँ मुझे पता है, मुझे पता है भाई कितने सारे गुनाहों से मैं बचा हूँ। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को कंपल्सरी होता है, बात करना, अच्छा अखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना, ये भी अपने दिमाग में रखना, और अगर गलती से कोई गुनाह हो भी गया तो अपने दिमाग पे इतना वजन रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। yes. इतना ज्यादा वो हो गया हूँ मैं, 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। सब कुछ आता है, मैंने इस्लाम कबूल किया है यस आई एम अ मुस्लिम। एंड अभी अगर आपको ये जानना है कि मैंने कब किया और कब से, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी स्टोरी मिस्ट्री मिस्ट्री है, इत्मीनान से बताऊंगा मैं इंशाल्लाह, एंड उस चीज के लिए आप थोड़ा सा सबर करें, बिल्कुल नहीं तो परसों तक, ठीक है जी, आपके लिए वीडियो जरूर आएगी। और ये वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं, बाहर थे इसीलिए मेरे को लगा टाइम पे घर पे पहुंच जाएंगे, एंड इफ्तार हो चुकी है, मैंने पानी से इफ्तार किया है, खजूर से नहीं किया, सुन्नत है ना, घर पे जाके ठोकेंगे अभी, अच्छे से खाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखना, अच्छी अच्छी दुआएं देना कमेंट सेक्शन में, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें दुआएं देते रहें, और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे, आपका बहुत सारा प्यार होता है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे को जब लोग कॉल भी करते हैं ना काम के लिए भी, तो वो लोग इतना प्यार से बात करते हैं और इतना प्यार देते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने कि ये जो परम जो कि एक यूट्यूबर है पेशे से, उन्होंने जो अपना रिलीजन है वो कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि उनको कन्वर्ट करके बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई, वो 360 डिग्री चेंज हो चुके हैं, वो किसी भी गुनाह को करने से पहले 100 बार सोचते हैं
इसकी वजह से उन्होंने अपना रिलीजन है वो चेंज किया है। रिलीजन चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, रिलीजन कभी भी कोई रिलीजन गलत नहीं होता है और न कोई भी रिलीजन आपको गलत शिक्षा देता है। कोई भी रिलीजन गलत नहीं होता है, उसको गलत करने वाले, उसको गलत बनाने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग होते हैं। वो जिस तरीके से अपने धर्म को, अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, वो उस रिलीजन को गलत बना देता है। और ये बात हकीकत है कि जो मेरा चैनल है, जो मेरा मेन मकसद है इस चैनल को बनाने का, वो यही है कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं आपके लिए और अपने लिए भी ये वीडियोस लेकर के आती हूँ, ये रिएक्शन लेकर के आती हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला जाता है और कम्युनिटी के थ्रू कि आप क्यों नहीं मुस्लिम बन जाते हैं और आप ये क्यों कर रही हैं, आपको समझ में नहीं आता है, इस्लाम आतंकवाद है, ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा बोला जाता है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जो कि जिस तरीके से मेरा सपोर्ट करते हैं, वो कोई भी एक बैड पर्सन, एक बैड रिलीजन नहीं कर सकता है। आप लोग का जो मजहब होता है, एक मुस्लिम कम्युनिटी का जो मजहब होता है, कोई रिलीजन होता है, वो इतना ज़्यादा पाक होता है, इतना ज़्यादा उसमें ब्रदरहुड होता है, वो तो मैंने खुद ही देखा है। यूनिटी तो भर भर के होती है। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम के केसेस को लेकर की क्लैशेस करवा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट करवा रही है, चाहे वो कोई एक भी कोई ग्रुप करवा रहा हो, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप सभी इसके फ्लो में बिल्कुल भी मत आइएगा। मेरा ये कहना है कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो अपनी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ना कि जो आपको इसी ने उकसाया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा काम करें तब आपको एक्शन में लिया जाए। बिल्कुल भी उनके बहकावे में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एकदम धैर्य से रहिए। आप जानते हैं ना, बुलबुला जितना ज़्यादा उठता है उतना जल्दी पोस्ट भी होता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिएक्शन और वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।